हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मेरा नाम लकु चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को मेंसुरेशन के बारे में पढ़ाएंगे। मेंसुरेशन में बहुत सारे फिगर होते हैं जिनका फार्मूला याद करने में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आपको आज हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको मिनटों में फार्मूले याद हो जाएंगे। ओके, चलिए देर न करके हम लोग शुरू करते हैं। ओके, ये आपका रेक्टेंगल है। क्या है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? लेंथ होता है और विड्थ होता है, लेंथ होता है और विड्थ होता है। ये टू डायमेंशनल फिगर होता है। ओके, अगर हमको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो एरिया बराबर होगा एल इंटू बी। ओके, अब बात आती है परिमीटर। किसकी बात आती है? परिमीटर। परिमीटर क्या होता है भाई? यानी बाउंड्री का माप। क्या लेना? बाउंड्री का माप, यानी एल बी सबको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? परिमीटर। तो मैंने ले लिया एल, क्या ले लिया? एल बी भाई, दो एल होगा, दो बी भी होगा, तो प्लस कर दिया और ब्रेकर लगा दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब एल प्लस बी कितनी बार है? दो बार है, इसलिए टू एल प्लस बी। ये आपका हो गया क्या? परिमीटर। क्या हो गया? परिमीटर। ओके, अब बात आता है क्यूबाइड की। किसकी बात आती है? क्यूबाइड। क्यूबाइड जो आपका होता है थ्री डायमेंशनल फिगर होता है, ये आपका हो गया क्यूबाइड। क्या हो गया? क्यूबाइड। देखिए इसमें सिक्स फेस है, एक दो और दो ऊपर नीचे, चार और साइड में दो, छः। ओके, तो ये आपका क्या है? क्यूबाइड। इसमें क्या होगा भाई? ये लेंथ हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रेथ हो जाएगा और ये एक क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया और ये हो गया, फिर ये आपका हो गया। ठीक, देखिए अगर हमको इसको क्या फाइंड करना है? सी एस ए। क्या फाइंड करना है? सी एस ए। क्या फाइंड करना है? सी एस ए। ठीक है, तो सी एस ए अगर फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? टू एल प्लस बी इंटू हाइट, टू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये आपका क्या हो गया? इसका सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी लंबाई को और ब्रेथ को क्या करो? जोड़ दो और हाइट को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई दो बार जोड़ना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा? टू एल प्लस बी इंटू हाइट। ओके, फिर उसके बाद आता है टी एस ए। क्या आता है? टी एस ए। ठीक, टोटल सरफेस ऑफ एरिया। टोटल सरफेस ऑफ एरिया का मतलब होता है कि इसमें सभी के एरिया आपको फाइंड करने हैं, ऊपर वाले का भी, नीचे वाले का भी, इस साइड का, इस साइड भी होगा और यहाँ और वहाँ। ठीक, अर्थात ऊपर वाले का एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल ये आपका एल हो गया, ये हो गया बी, एल इंटू बी, इसका बी इंटू एच, फिर इसका एल इंटू बी। तो इस प्रकार आपका बनेगा क्या? दो बार, सब दो दो होंगे ना, L इंटू बी, बी इंटू एच, इधर भी है तो इस साइड में भी होगा, तो B इंटू एच, इसका भी दो होगा और इसका भी दो होगा, तो दो दो बार सब बनेंगे, तो होगा टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, तो ये आपका हो गया टोटल सरफेस ऑफ एरिया, यानी L इंटू बी इसका एरिया हो गया, किसका हो गया? L इंटू बी, एल इंटू बी इसका एरिया हो गया, बी इंटू एच इसका एरिया, इधर वाले को भी बी इंटू एच होगा, फिर इधर वाले का भी एल इंटू बी होगा, एल इंटू बी होगा। ठीक, और नीचे वाले का भी एल इंटू बी होगा। तो इस प्रकार एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल दो दो बार आएगा। कितनी बार आएगा? दो दो बार। तो इसलिए दो से हम मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आती है बालू। किसकी बात आती है? बालू। बालू मतलब बॉक्स में आपका जो क्यूबाइड के आकार, उसमें कितना चीज़, कोई चीज़ भर सकते हैं, हवा वगैरह जो भी चीज़ आप भरना चाहें। ठीक है, तो लेंथ का मल्टीप्लाई इंटू ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई इंटू हाइट, यानी एल बी एच आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। किसकी बात करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी सभी साइड क्या हो? इक्वल हो। सभी साइड क्या हो? इक्वल हो। मान लो इसकी साइड को मैंने मान लिया ए मीटर लंबी है, ए भी ए मीटर होगा, सभी क्या होंगे? ए मीटर होगा। अगर इसकी हमको क्या फाइंड करनी भाई? अगर हमको इसका फाइंड करना एरिया, क्या फाइंड करना? एरिया। ए बराबर हो जाएगा, इसमें भी लेंथ, ये मान लो ये ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ भी ए है बी और ब्रेथ भी ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यानी ए मल्टीप्लाई ए, यानी इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद आता है परिमीटर। परिमीटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री का माप। परिमीटर मतलब बाउंड्री का माप। अब बाउंड्री का माप आप लेंगे भाई, तो बाउंड्री का माप मतलब चारों तरफ की लंबाई जोड़ लो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या हो जाएगा? फोर ए। क्या हो जाएगा? फोर ए। ठीक, अब बात करेंगे हम क्यूबाइड की। किसकी बात? क्यूब। किसकी बात करेंगे? क्यूब की। क्यूब इसमें भी क्या होगा भाई? सी एस ए होगा। क्या होगा? सी एस ए होगा। क्या होगा? सी एस ए होगा। फिर उसके बाद टी एस ए होगा, टोटल सरफेस एरिया। फिर उसके बाद वॉल्यूम होगा।
ओके। अब सी एस ए की बात करें भाई, इसमें देखो इसमें भी एल और बी था, इसमें क्या है सब बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, एल और बी सब क्या होंगे बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा सी एस ए में टू एल के स्थान पर क्या लेंगे भाई ए ले ले, ठीक बी के स्थान पर भी क्या ले ले ए ले ले, और हाइट के स्थान पर क्या ले ले ए ले ले, ठीक है। तो हो क्या जाएगा ए ए जोड़ेंगे टू ए और ये टू टू फोर और ये स्क्वायर फोर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर दो फिर दो दूनी चार ए और ये बाहर है तो फोर ए स्क्वायर, ठीक। टी एस ए लेंगे अगर क्या लेंगे टी एस ए टू एल के स्थान पर भी ए ब्रेथ के स्थान पर भी बी ए बी है ना, ये ही होगा यहाँ भी ए ही होगा बराबर है दोनों ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी एच है तो ये भी क्या होगा ए ही होगा सब बराबर है ए इंटू ए फिर प्लस एच एल ए इंटू ए, इस प्रकार हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक दो तीन थ्री ए स्क्वायर हो जाएगा ना टू मल्टीप्लाई यहाँ क्या इंटू साइन है टू इंटू थ्री ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा सिक्स ए स्क्वायर, ओके। अब हम बात करेंगे बालूम की, किसकी बात करेंगे बालूम की, बालूम में भी भाई लेंथ होगा ब्रेथ होगा हाइट होगा, तो लेंथ को मैंने ए माना ब्रेथ को भी मैंने ए माना हाइट को भी मैंने ए माना तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब, तो बालूम बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब, क्या हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ओके। अब बात आती सर्कल की, किसकी बात करेंगे सर्कल, तो सर्कल भाई क्या होता है ये चारों तरफ से एक गोला खींच दीजिए इसे, ठीक ये सर्कल हो गया या इसका सेंटर हो गया, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की दूरी जो है क्या कहलाएगी रेडियस, क्या कहलाएगी रेडियस। अगर हम इसकी फाइंड क्या करें एरिया, एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसको दो बार ले लेना है और पाई, ठीक है पाई आर स्क्वायर मतलब इस पूरे की हम बात कर रहे हैं इस पूरे की एरिया, ठीक है। तो पाई मतलब होता है 180, क्या होता है 180 डिग्री, ठीक। और आर रेडियस ले लेंगे इसका मल्टीप्लाई करने के तो ये हो जाएगा आपका सर्कल का एरिया। बात आती है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब इस बाउंड्री की लंबाई, इस बाउंड्री की लंबाई, इस बाउंड्री की लंबाई पाई आर आधा होगा और पाई आर आधा तो हो जाएगा टू पाई आर, क्या हो जाएगा टू पाई आर, क्या हो जाएगा टू पाई आर। अब बात करते हैं सी एस ए सिलेंडर की, किसकी सिलेंडर की सी एस ए, दूसरा हेडिंग क्या है सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर है जिसके ऊपर एक सर्कल है नीचे एक सर्कल है और इतनी लंबाई जो है क्या है उसकी हाइट है, क्या है हाइट है, मान लो इसका सेंटर ये है तो ये हो जाएगा इसका रेडियस, क्या हो जाएगा रेडियस, यहाँ भी सेंटर होगा भाई इसका भी क्या हो जाएगा ये रेडियस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है क्या है एच है, क्या है एच है, क्या है एच है यानी हाइट है। अगर सी एस ए निकालना क्या निकाला कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना कर्व सरफेस एरिया, क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया बराबर क्या हो जाएगा भाई देखो टू पाई आर एच, क्या हो जाएगा टू पाई आर एच, क्या हो जाएगा टू पाई आर एच, टू पाई आर एच ऐसे सिलेंडर है ठीक, तो टू पाई आर एच, ठीक है। फिर बात आती है टी एस ए, किसकी बात है टी से टोटल सरफेस एरिया, भाई टू पाई आर एच तो है ही है, टू पाई आर एच है ही है, लेकिन अब इसको भी ले लो ना सर्कल को और इस सर्कल को ले लो, कर्व सरफेस मतलब ये सिलेंडर नहीं देखे ऊपर वाले को थोड़ी बात होती है, नीचे जो गोल सा रहता है ये बीच में जो गोल सा ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ले लिए, सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए मतलब टोटल पूरे सिलेंडर की बात हो रही है, पूरी सिलेंडर की बात हो रही है। तो भैया टू पाई आर एच तो था ही, टू पाई आर एच तो था ही, प्लस करेंगे एक सर्कल का एरिया हम ऊपर निकाल चुके हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितने सर्कल हैं दो सर्कल हैं तो दो सर्कल का हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर, कामन क्या हो जाएगा भाई टू पाई आर कामन कर लें टू पाई आर, क्योंकि टू पाई आर यहाँ भी है टू पाई आर यहाँ भी है तो टू पाई आर कामन करेंगे तो बचेगा क्या भाई यहाँ बचेगा एच और यहाँ का बचेगा क्या प्लस आर, क्या बचेगा प्लस आर, यानी एरिया हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया टू पाई आर ब्रेकेट में एच प्लस आर, ओके। अब बात करते हैं बालूम की, किसकी बात करते हैं बालूम की, यानी सिलेंडर में कितना गैस आएगा, हर किसी के घर में सिलेंडर हर कोई जानता है तो सिलेंडर में कितना गैस आएगा तो बालूम निकालना है, क्या निकालना बालूम, बालूम बराबर हो जाएगा बालूम में क्या लेंगे भाई सिलेंडर तो है ही है इसकी हाइट लेंगे,
इसकी हाइट लेंगे, पेदी में भी तो भरता है, पेदी में तो भरता है, तो पेदी का एरिया ले लेंगे, यानी नीचे पेदी में गैस भरता है ना, ऊपर थोड़ी भरता है, ऊपर तो बर्नर लगाते हैं जलाने के लिए, लेकिन नीचे पेदी जो होता है गैस सिलेंडर का वो भी गोल होता है कि नहीं, होता है ना, तो वो सर्कल आकार का है ना, सर्कल में है कि नहीं, देखिए सर्कल में है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इनटू क्या कर देंगे, सिलेंडर के हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, सिलेंडर के हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम निकल आएगा, अर्थात हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब बात करेंगे कोण, किसकी बात करेंगे, कोण की, कोण की कर्व सरफेस एरिया निकालना, क्या निकालना, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस, ये इतना जोकर की टोपी देखिए ना, जोकर की टोपी, जोकर की टोपी, ये नीचे तो सर्कुलर आकार होती है और कोण के आकार की होती है, ये जो गोल सा होता है ऊपर वो कर्व सरफेस एरिया, क्या कर्व है, क्या कर्व है, तो उसी का हमको एरिया निकालना, इस नीचे वाले का नहीं, सिर्फ इस कर्व भाग का, इस इतने भाग का, इतने भाग का हमको एरिया फाइंड करनी है, तो सी ए सी बराबर हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल, क्या हो जाएगा, पाई आर एल, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, क्या पूछ ले, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले, तो पाई आर एल प्लस, क्या होगा भाई, इस सर्कल का भी एरिया आपको लेना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, भैया कॉमन क्या होगा, कॉमन कर लो, कॉमन हो जाएगा आपका पाई आर, क्या हो जाएगा, पाई आर कॉमन आप निकल लिया, तो बचा का एल प्लस आर, ये आपका हो जाएगा कोण का टी ए से टोटल सरफेस एरिया, टी ए से टोटल सरफेस एरिया। ओके, बात आती बालू की, किसकी बात आती, बालू की, अगर मान लो मूंगफली वाले को देखो ना, मूंगफली वाला कौन कौन टाइप बनाता है कि नहीं, जोकर की टोपी टाइप कागज का, अब उसमें मूंगफली भरता है ठुस ठुस के कि नहीं भरता, भरता है, तो उसमें कितना चीज आएगा नहीं, वो बालू होगा उसका, क्या हो गया, बालू होगा, उसमें ज़्यादा जगह रहेगा तो ज़्यादा मूंगफली आएगा, कम जगह रहेगा तो कम मूंगफली आएगा, बालू बराबर हो जाएगा क्या भाई, अब होगा क्या, एक बट्टे तीन यानी मोर भाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यानी इसका एरिया ले लेंगे, किसका एरिया, इस सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट ले लेंगे एच, हाइट क्या है इसकी भाई, यहाँ से अगर हम इसको मान लें रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, हाइट, क्या हो गया, हाइट, क्या हो गया, हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच ये तो हो गया, ठीक, लेकिन इसका कितना भाग लेना, एक बट्टे तीन, कितना, एक बट्टे तीन, फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। ओके, इस प्रकार हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, थैंक यू।